की महिला को ओयो होटल में ले जाकर नशीला पदार्थ पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। महिला की अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर बार बार दुष्कर्म करने, रुपए छीनने और सोने की चेन छीनने का आरोप है। वहीं पुलिस ने मामले में 4 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। इसमें सर ये है, कल एक दरखास्त प्राप्त हुई थी थाना में, और उस लड़की ने बताया कि भाई मेरे साथ पिछले 11वें महीने से ये लड़का दी घोट का है और मुझे ओयो होटल में लेके जाकर मेरे साथ गलत काम किया, और अब 22-20 तारीख को ये मुझे यहाँ ओयो होटल में लेके गया, होटल के में, और उधर मेरे साथ इसने गलत काम किया जबरदस्ती, और अपना कोई भाई वो भी बुलाया वहाँ पे भूपेश, और उन्होंने दोनों उसके साथ गलत काम किया। गलत काम करने के बाद उसकी स्कूटी वो लेके बाजार आई सामान लेने के लिए, फिर उसकी स्कूटी की चाबी वगैरह छीन ली, उससे कुछ पैसे वगैरह वो भी छीन लिए। ये मामला सामने आया, दर्ज कर दिया गया है, पीड़िता का मेडिकल करा दिया गया है सरकारी अस्पताल पलवल में, बयान 164 माननीय अदालत में करा दिए गए। इसमें 4 लोगों के खिलाफ किया जी। तो कोई आरोपी अभी गिरफ्तार? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं है, मुकदमा भजा में तफ्तीश जा रही है। आपको बता दें कि पहले फेसबुक से उसकी एक व्यक्ति से दोस्ती हो जाती है, इसके बाद व्हाट्सएप के जरिए बात करने लगती है महिला। महिला का आरोप है कि यहाँ उसे ओयो होटल में ले जाया गया और नशीला पदार्थ पिलाया गया, उसके बाद उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील वीडियो बनाई। कुछ दिनों बाद अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर फिर वहीं बुलाया। यहाँ उसने और उसके 3 अन्य साथियों ने उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। बता दें पिछले 11 महीने से पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया जा रहा था। जब वो परेशान हो गई तो उसने मामले की शिकायत पुलिस को दी और पुलिस ने केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। समाचार प्लस के लिए पलवल से ऋषि भारद्वाज की रिपोर्ट।